नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई हज यात्रा से। जी हाँ साथियों, इंडियन लोगों के लिए हज यात्रा से रिलेटेड बात करेंगे, सऊदी अरबिया से रिलेटेड कि भाई सऊदी गवर्नमेंट ने किस आधार पे इस पे रोक लगाई, इसका क्या रीज़न है, आप इंडियन लोगों कितने हज यात्री जाने वाले थे, उनके पैसों का जो है जो जमा करवाए थे उनका क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आपको पता है सऊदी गवर्नमेंट ने 21 जून से लॉकडाउन ओपन कर दिया है, तो लॉकडाउन ओपन होने के साथ लोगों को उम्मीद ये जगी थी कि भाई हमारा जो हज यात्री जाने वाले हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, जॉब से रिलेटेड हर आदमी जो सऊदी जाना चाहता है। लेकिन यहां पे सऊदी ने एक कड़ा फैसला लेते हुए साफ साफ इनकार कर दिया है कि हज के लिए हम यात्रा स्टार्ट या फ्लाइन जो इजाज़त है वो नहीं देंगे। इसका रीज़न है कोरोना। जी हाँ साथियों, 1,64,000 प्लस अभी तक कोरोना केस को पॉजिटिव चल रहे हैं, 1,350 के करीब अभी तक सऊदी में डेथ हो चुकी हैं, 1,10,000 के करीब रिकवर, यानी रिकवरी ठीक है, 50-55,000 का मैटर है, तो वो जल्द ही कवर कर लिया जाएगा। इसी को देखते हुए लगभग एक बार आज से बहुत वर्षों पहले एक बार रोक लगी थी, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद आज फिर सऊदी अरबिया में हज के लिए रोक लगी है, और ये रोक लगने का रीज़न कोरोना अपडेट है। अभी साथियों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है भाई इंडिया के लोग सऊदी हज के लिए नहीं जा सकते। 2,13,000 लोगों ने सऊदी हज के लिए आवेदन किया था 2020 में। 2019 में बात करें तो लगभग 2,00,000 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था। जी हां साथियों, इस बार 13,000 लोग ज़्यादा आवेदन किए थे, लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए नहीं जा सकते। नेक्स्ट साल इनको जाने का टाइम 2021 में मौका मिलेगा। लेकिन यहां पे बता दें, इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है भाई जो भी आपने जो फीस जमा करवाई थी हज यात्रा से रिलेटेड, वो बिना किसी कटौती के आपको आने वाले एक महीने के दौरान यानी जून जुलाई के अंदर आपको रिफंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लगभग राजस्थान से बात करें तो लगभग 5,500 राजस्थानी लोग मुस्लिम थे जो हज यात्रा के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन भाई इस कोरोना को देखते हुए मायूसी हाथ लगेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यात्रा इजाज़त नहीं देंगे किसी भी देश के लिए। कोई भी देश का नहीं जा सकता, ये नहीं कि इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई भी देश का नहीं जा सकता। सऊदीया गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि भाई हाँ, सऊदी के अंदर चाहे वो किसी भी देश का हो, जैसे 50-60 देशों के लोग सऊदीया में रहते हैं, तो वो लोग सऊदी हज उमरा कर सकते हैं, उनके लिए छूट है सऊदी के जो अंदर हैं उनके। लेकिन बाहर के जो भी लोग हैं वो सऊदीया हज करने के लिए नहीं जा सकते 2020 में। नेक्स्ट 2021 में ऊपर वाले की मर्जी हुई तो भाई सब ठीक रहे तो दोबारा आप ट्राई कीजिए, आपका ज़रूर नंबर आएगा। बस यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।